जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। तो अपने पे कंट्रोल रखा कर, कुछ गलत हो गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। और सिमी तू देख नहीं रही वो कितनी टेंशन में है, कितने गुस्से में है? वो तेरा हर बात पे बहस करना जरूरी है क्या? चुप नहीं रह सकती? मुझे सुना रहे हो? क्या चाहते हो आप कि भाई खड़े होके यहाँ पर मेरी इंसल्ट करते रहे और मैं कुछ नहीं बोलूं? और मेरा ये मतलब नहीं है, और कम से कम इस वक्त तो चुप रह सकती है। सही है पापा, भाई ने मुझे थप्पड़ मारा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको इनको समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो मुझे समझा रहे हो, मुझे डांट रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैंने क्या कुछ नहीं किया है आप सब लोगों के लिए, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं है ना। इनकी बीवी की वजह से मेरी बेटी मर गई, उसके बाद भी मैं इस घर में रही। क्या सिला मिला मुझे इसका? यहाँ खड़े होके सबके सामने आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और आप सब लोग यहाँ, सब लोग खड़े हैं लेकिन कोई मेरा फेवर नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि आप में से कोई भी मुझे घर वाला नहीं मानता, बाहर वाला मानता है। तो साफ साफ बोलो ना आप लोग। आज पहली बार ना तूने एक बात सच कही है। हाँ, हम तुझे बाहर वाला मानते हैं, नहीं है तू इस परिवार का हिस्सा। और उस दिन इस परिवार से अलग हो गई थी जिस दिन उस कमीने का साथ देकर तूने हमारे खिलाफ साजिश की थी। हाँ भूल गए पापा, क्या क्या किया हमारे साथ। एक बात का यकीन हो गया कि तू हमेशा जैसी थी वैसी रही, कभी नहीं सुधर सकती तू। भाई एक बात मेरी पुत्र, तू ही चुप हो जा। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, सब लोग मुझे ही चुप कर लो, क्योंकि मैं ही गलत हूँ ना। आप सबको तो यही लगता है कि हमेशा गलती मेरी होती है, मैं कुछ सही कर ही नहीं सकती, है ना। तो इस बार भी मैं ही चुप हो जाती हूँ। परम जी सही कहते हैं कि ये घर ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं है। आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ बाहर वालों की तरह बर्ताव किया और आज भी वही हुआ है। और कोई सफाई चाहिए आपको? अभी तक उस कमीने का नाम है इसकी जुबान पर, तो एक काम करना चाह, उसी के साथ मर। हाँ चली जाऊंगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर में रहने का। और आपको क्या लगता है कि मैं आपके टुकड़ों पे पल रही हूँ? मेरा पति नहीं है तो मैं कहीं नहीं जा सकती। वो परम कम से कम आपसे तो बेटर ही है, और मुझे यूँ बेइज्जत नहीं करता सबके सामने। सिमी क्या बकवास कर जा रही है, बंद कर। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, छोड़ो मुझे। सिमी मुतन्ना देख, तू गुस्सा मत कर, सुन 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 मेरे बच्चे, तेरा भाई है ना, वो गुस्से में कुछ भी बोल जाता है ना। आज गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ माँ, उसे रोकना भी मत, जो बोल रहा हूँ ना सोच समझ के बोल रहा हूँ। अरे मन पुत्र, इस घर में दिखी दोबारा ना खाल खींच लूंगा। अब तो एक मिनट नहीं रुकूंगी, उसी के पास रहूंगी मैं। क्या कर रहे हो भाई? आप ऐसे घर छोड़ के क्यों जा रही हो? आपको पापा गुस्सा पता है ना, प्लीज इग्नोर, प्लीज आप ऐसे मत जाओ, प्लीज मुझे। क्यों आई है तू यहाँ पे? जाना अपने पापा के पास, तुम लोग तो एक नंबर के चमचे हो उनके। देखा नहीं कैसे बेइज्जत किया मुझे, इस घर में एक मिनट ही रहना है, पागल हो गया वो आदमी। बुआ प्लीज गुस्से में ऐसे डिसीजंस मत लो, प्लीज डोंट गो। बहुत करा ली मैंने अपनी बेइज्जती, अब एक मिनट ही रुकूंगी इस घर में। कोई बीच में नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो उसके साथ घर के बाहर जाएगा। इनफ सिमी, बुआ सिमी, पुत्र पापा प्लीज रोक लेना बुआ को। पुत्र एक मिनट रुक। मां खबरदार, कसम है आप लोगों को मेरी, अगर इसको रोका ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पापा ये उस लायक ही नहीं कि हमारे परिवार का हिस्सा कहलाए। रमन पुत्र की कह रहे हैं तू? पापा व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें जाना तो जाओ। सिमी बुआ प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप इतने रैश डिसीजंस मत लीजिए। मैं मानता हूँ रमन अंकल इस वक्त गुस्से में है इशिमा को लेकर, बट उन्होंने जो भी कुछ कहा ही डजंट मीन इट। सो आप घर छोड़ के नहीं जाएंगी। पर तू रोक रहा है मुझे? हाँ, तूने देखा नहीं कितने बेइज्जत करके निकाला है मुझे इस घर से? उस आदमी के आगे किसी की नहीं चलती, ना मम्मी जी ना पापा जी, कोई भी नहीं, कोई नहीं चाहता मैं इस घर में रुकूं, मुझे जाने दे प्लीज। एक मिनट मैं मानता हूँ आपकी बात, आपकी सारी बात मानता हूँ, लेकिन आप घर छोड़ के नहीं जाएंगी, दैट्स इट प्लीज। तू क्यों नहीं समझ रहा है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ऐसे ही नहीं रह सकती इस घर में। I understand, but तू सुन मेरी बात, तू मेरे पीछे से मम्मी जी पापा जी का ख्याल रखना।
प्लीज अब। मिस्टर भल्ला, आपको याद है आपको एक नंबर से फोन आया था? हाँ, हमने उस नंबर को ट्रेस किया लेकिन वो एक बोगस नंबर था और जो लोकेशन भी थी वो एक कोई कंस्ट्रक्शन साइट की थी। दिस इज द डेड एंड अगेन। हमने परम के हॉस्पिटल में कुछ आदमियों को रख दिया तो वो डेफिनेटली उन पर नजर रख रहे हैं लेकिन अभी तक वहां कुछ सस्पिशियस हमें लग नहीं रहा है। मिस्टर भल्ला, मुझे लग रहा है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। शायद परम ये सबके पीछे नहीं है। No. क्योंकि अगर परम सस्पेक्ट होता तो हमें कुछ पता चलता। मैं कह रहा हूं आपसे, उस कमीने ने अपने मुंह से कबूल किया है कि उसने इश्ता को गायब किया है। ट्रस्ट मी, लिसन, हमें उसे अरेस्ट करने के लिए बस पक्का सबूत चाहिए। रंगे हाथों उसे बस पकड़ना है। आई एम श्योर आज तक ओके। मेरे आदमियां वहां मौजूद है, वो परम पे नजर रख रहे हैं और तब तक आप एक काम करिए, आप प्लीज चैनल के रिपोर्टर्स को कॉन्टेक्ट करिए और अपनी अपील रिकॉर्ड कराइए। सो प्लीज डू व्हाट आई टेल यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।